मैंने पूरा एक मंथ का बुलवाया गाइस, ये है आज डे नंबर वन एंड मेरा पार्सल हो गया था डिलीवर एंड आई वाज सो हैप्पी टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। एंड अप्रॉक्स मुझे 8,000 समथिंग का ये पड़ा है, टोटल 4 बॉक्स आए हैं यहाँ पर। एंड साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पर, सबसे पहले आता है हमारा शेक मेट। सो शेक मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप दूध नहीं पीते हो उसमें मिक्स करने के लिए। एंड साथ ही मैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मैं प्रोटीन पाउडर भी ले रही हूँ, जो कि इनका एक पूरा मील रिप्लेसमेंट है। सो प्रोटीन पाउडर भी है यहाँ पर, जो कि मुझे एक ही स्पून यूज़ करना है। एंड जो फार्मूला वन है वो है रोज़ खीर फ्लेवर, एंड एक और मैंने बुलवाया है वो है कुल्फ़ी फ़्लेवर। एंड साथ ही मैं यहाँ पे मुझे मल्टी वाइटमिन मिलती है, आफ्रेश ड्रिंक मिलती है, जो कि ये सारी चीज़ें मेरे मील को एक पूरे लाइक ब्रेकफास्ट एंड डिनर को रिप्लेस करने के लिए है। सो आपने हर्बल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, कई जगह बहुत ज़्यादा गलत मिथ भी है इसके बारे में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर ये सब मैं अंडर एक वेलनेस कोच के कर रही हूँ। सो अगर आप भी करना चाहते हो तो किसी के अंडर में ही करिए। सो आज है मेरा डे नंबर वन, जहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ आफ्रेश। तो ये मैं रिप्लेस कर रही हूँ अपनी चाय से, एंड इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। हल्के से गुनगुने पानी में आपको इसको एक चम्मच मिक्स करना है एंड देन इसको पी लेना है। सो अभी मैं पी रही हूँ आफ्रेश हर्बल लाइफ का, एंड आज है मेरा डे नंबर वन। सो सुबह मैंने पानी पिया था बॉटल, आधी बॉटल, एंड उसके बाद अब मैं ले रही हूँ ये अफ्रेश। एंड टाइम अभी हो रहा है 11:30। सो ऐसे देखा जाए तो चाय की जगह मुझे ये लेना है, तो मैं अपना सबसे पहला जो ड्रिंक मैं बोलूँगी तो मैं ये वाला ले रही हूँ। एंड आई होप कि मैं डेली रिकॉर्ड करूँ पहली बार, एंड आई होप कि मेरा वेट कम हो। एंड थोड़ी देर में मैं आपको अपने इंच और अपना वेट अपडेट करूँगी, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीक अपना वेट देखूँगी और इंचेस चेक करूँगी। तो चलिए इसको मैं पी लेती हूँ, अभी ये गर्म गर्म है, एंड देन थोड़ी देर बाद आपसे मिलूँगी। सेकंड चीज़, इसमें कोई टेस्ट नहीं लग रहा है मुझे, ये जिंजर फ्लेवर की ऑर्डर की है, लेमन जिंजर। सो मुझे लगता है कि ये ग्रीन टी से तो बहुत ही अच्छी है। ग्रीन टी पीने में कड़वी लगती है और इसमें हमें शहद डालना पड़ता है, पर इसमें एज सच कुछ कड़वापन नहीं है, बट इसमें बोलते हैं कि कैफीन होता है। सो वो आपको एक जो चाय पीने के बाद एनर्जी देता है, सिमिलरली ये भी देती है। सो लेट्स सी, आज मेरा पहला ही दिन है क्योंकि। सो आई एम डन विद दिस, एंड अब दूसरे मील, लाइक पहला मील बेसिकली, दिस वाज नॉट अ मील फॉर मी। एंड इसके बाद अब मुझे पानी ही पीना है, एंड बस 1 लीटर की बॉटल मुझे पीना है अभी, पर धीरे धीरे कम से कम 4 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। सो आज देखते हैं कितना पानी हो पाता है। सो गाइस, ये पीछे वाला मैस आप अवॉइड करना, क्योंकि अभी ही मेरे घर वालों का नाश्ता हुआ है। सो ये है 3 डब्बे, एंड अब हम इसका शेक बनाएंगे। आज मेरा फर्स्ट डे, मैं आपके सामने इसकी पैकिंग खोल रही हूँ। सो गाइस, डे वन है तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे बनाना है, क्या करना है, तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ वीडियो को बिल्कुल भी। एंड मतलब इसमें मैंने आपको बताया कि इसको कैसे तैयार करना है। सो ये मेरा मील वन है बेसिकली, मैं रिप्लेस कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट को इस शेक से, एंड देखिए कैसे मैं बना रही हूँ उसको। यहाँ मैं ले रही हूँ अराउंड 3 स्कूप अपने फार्मूला वन का। सो यहाँ मैं एक स्कूप डाल रही हूँ। अगर आप मदर्स हो और अगर आपने अपने बच्चे का दूध बनाया है डेक्सोलेक या लैक्टोजन, उसी तरीके से इसको बनाना है। सो यहाँ पे मैंने एक स्कूप डाल दिया, मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ, बट ऊपर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। एंड फिर इसमें मैं डालूंगी प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच, एंड 1.5 स्पून मैं डालूंगी शेक मेट, जो कि आप आगे देखोगे। एंड इसमें ठंडा पानी, अगर आप दूध नहीं पीते हो, अगर आप मेरी तरह हो, मैं बिल्कुल दूध नहीं पीती और मुझे पीसे हुए एसपी है, तो मैं दूध अवॉइड करती हूँ। सो मैंने शेक मेट लिया है इसके साथ डालने के लिए, और साथ में एकदम चिल्ड पानी डाल के इसको हम ग्राइंड कर देंगे, एंड देन हमारा हमको फर्स्ट मील लेना है ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैंने तीनों डब्बों का जो पाउडर था उनको मिक्स कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड प्लस मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी बेटी की दूध की बॉटल, जो 150 ml है। सो ये 2 बॉटल में भर के इसमें ठंडा एकदम चिल पानी डाल दूँगी। सो इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे 300 ml वाटर मिल गया इसमें, एंड 300 ml वाटर में ही इसको बनाना है।
एंड इसको ग्राइंड लाइक इसको मिक्सी में दो बार आपको चलाना पड़ता है जिससे अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। एंड इसको बना के बहुत देर तक हमें रखना नहीं है, हमको पी लेना है। तो यहाँ मेरा शेक है बन के तैयार। एंड सीरियसली गाइस इतनी तेज़ भूख लगी थी, दो मेरा आज फर्स्ट डे था, तो लाइक परसों रात को मैंने खाना खाया था एंड मैंने बाहर से ऑर्डर करके खाना खाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अब मैं पूरा जो एक महीना इसको फॉलो करूँ तो अच्छे से करूँ। लाइक मुझे ना क्रेविंग नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये खाया नहीं वो नहीं खाया। सो यहाँ मेरा शेक तैयार था एंड आई वॉज़ लाइक रेडी टू टेस्ट इट। एंड मैंने टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लगता है ये मुझे। राइस बहुत यम्मी है, पीछे देखिएगा तुम थोड़ा। गाइस टेस्ट वाइज बहुत यमी लग रहा है मुझे एंड थोड़ा सा बचा था तो वही मैं बता रही हूँ कि मैं इसको भी डाल लेती हूँ। एंड लुक एट माई फेस, लुक एट माई डबल चिन। मैं मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी मोटी हो जाऊँगी बट मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपना वेट बढ़ा लिया है। एंड यही है लाइक हाँ इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स है कि इसको पीने से ये इशू होते हैं या जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये प्रॉब्लम्स होंगे। बट देखिए अगर आप कोई डाइट भी लेते हो और इसको छोड़ते हो तो देन यू कम बैक टू योर लाइक जो आपका पिछला वेट था, तो कहीं ना कहीं हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है। एंड अभी मुझे एक अच्छा खासा वेट लूज़ करना है, अराउंड 10-20 लाइक 30 kg ऐसे मुझे लूज़ करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ गुड फॉर लाइक यू नो कि एकदम ये कैलोरी डेफिसिट में मुझे रखेगा, प्लस ये मुझे एक एनर्जी भी देता है। एंड अभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अपने लिए अलग से खाना बनाऊँ एंड चीज़ें करूँ क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है। मैंने हर वीडियो में बोला कि मैं वीडियोज़ भी इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगा। सो गाइस शेक के बाद जब मेरा दूसरा जो आएगा मुझे लंच, मुझे एक प्रॉपर लंच लेना है। तो यहाँ मैंने ना सलाद ली थी उसके एक लाइक लंच के एक घंटे पहले, आपको सैलड लेना है। देन आप लंच में आपके जो भी बना है, तो मैंने यहाँ पर दो रोटी ली थी, राजमा लिया था और दही लिया था। एंड देन उसके बाद लंच के आधे घंटे बाद आपको वापस से अफ्रेश पीनी है। एंड मैंने यहाँ पे अफ्रेश पी एंड अब हो चुकी थी रात। सो उसके बाद ना मुझे कल डे 1 पे मेरा सब कुछ थोड़ा लेट चला था तो मुझे इतनी भूख नहीं लगी थी एंड रात को मैंने लिया शेक।